तो पहले कहा सिरों के सामने एक और बुकलैंड मूवी ले गया। तो फूलों में उसकी शुरुआत करते हैं। बोलो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं डोली नाम के बंदे को। वैसे ये डोली वो सारा चाय वाला नहीं है, ये फोटोग्राफर है और ये एक रेगिस्तान में अपनी मतलब की सूर्य की फूलों वाली फोटो खींचने के लिए आया हुआ था। वहां पर वो देखता है कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि रो रहा है। डोली उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि यह बच्चा क्यों रो रहा है तुम। बच्चा कहता है कि मैं मेरा माँ बाप से बिछड़ गया हूँ और मुझे उसके पास जाना है। डोली वह लोग वैसे पैसे से थोड़ा सा ईमानदार एंटिक बंदा था, इसीलिए वो उसे कहता है कि वो कहाँ पर है, वहां मैं तुम्हें तुम्हारे साथ मतलब कि तुम्हें अपने माँ बाप से मिलवा देता हूँ। बच्चा उसे कहता है कि वो पहाड़ की उस साइड है मतलब कि रेगिस्तान की। डोली भाई लोग उसके साथ साथ चलने लगता है। डोली रास्ते में उसे कहता है कि बेटा आगे कुछ नहीं है, आगे सीधी नीचे खाई ही आ रही है। लेकिन भाई लोग बच्चा तो आगे जा ही रहा था। आधे रास्ते पर पहुंचते ही भाई लोग डोली मतलब कि घूम चुका था, पूरे रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंच चुका था। डोली बच्चे की ओर देखता है तो वो सारा बच्चा उसकी ओर जहरीली वाली स्माइल देकर वो वहां से भाग निकलता है पिद्दू सा। डोली यहाँ पर सोचता है कि इस सारे बावली आइटम ने तो मुझे यहाँ पर फंसा डाला है। डोली वापिस अपने रास्ते पर बढ़ना चाहता था लेकिन वो रेगिस्तान में घूम चुका था, उसे सही रास्ता मालूम नहीं था। देखते ही देखते भाई लोग रात हो चुकी थी। रास्ते में वो देखता है कि सामने की ओर एक छोटा सा मकान यानी कि घर है। वो सीधा वहां पर चले जाता है। उस मकान में खूबसूरत सी आइटम बवाल लेडी थी भाई लोग। डोली वहां पर जाता है और उसे कहता है कि यहाँ से रास्ता वास्ता क्या है, मतलब कि उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। लेकिन वो औरत तो भाई लोग कुछ भी रिएक्ट भी नहीं कर रही थी, वो तो अपने ही काम में बिजी थी और उसे ये डोली बोली या किसी और कोई टेंशन ही नहीं था बावली पूंछ को। डोली भाई लोग उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है डोली टपरी, मैं घूम चुका हूँ और मुझे आज रात को यहाँ पर रहना है। वो औरत उसे कुछ भी नहीं कहती, उसे थोड़ा सा खाना देती है लेकिन डोली को थोड़ा सा शक हो जाता है इसलिए वो खाना नहीं खाता। वो सीधा उसे सोने के लिए पूछता है। वो औरत कहती है कि सीढ़ियों से नीचे उतर जाओ बाहर जाकर, वहां पर एक रूम है, वहां पर जाकर तुम सो जाना। डोली भाई लोग अपने रूम में जाकर सो जाता है। वहां पर वो देखता है कि औरत कपड़े बदल रही है इसलिए डोली करवट लेकर सो जाता है। डोली भाई लोग सुबह उठता हो तो वो सारा बोचक्का बवाल बुगरी लग रहा था क्योंकि वो नीचे गड्ढा था बहुत बड़ा, उसके अंदर था और बाहर निकलने की सीढ़ी थी जो उस औरत ने खींच ली थी भाई लोग अभी यहाँ पर। आप बताना कि अभी डोली के साथ आगे क्या होने वाला है। भाई लोग सीढ़ी के बगैर वहां से निकलना इम्पॉसिबल था लेकिन वो लेडी तुरंत वहां पर आती है और सीढ़ी के जरिए डोली को बाहर निकालती है। डोली उसे कहता है कि कल यहाँ पर सीढ़ी थी वो कहाँ है। तो औरत कहती है कि शायद कुछ लोगों ने तुम्हें यहाँ के लोगों ने देख लिया होगा इसलिए वो सीढ़ी लेकर निकल गए। डोली उसे पूछता है कि वो कौन लोग थे ये बावली आइटम में बकवास बकरेली वाली। औरत भाई लोग कुछ भी जवाब नहीं देती और वो अपना वापिस काम धंधा शुरू कर देती है। वैसे भाई लोग अलीना का घर भी एक गड्ढे में था, यानी कि ये सारा डोली जिस गड्ढे से निकला था वो पहला गड्ढा, अभी ये उसका बीच का पार्ट यानी कि यहाँ पर वो उस औरत का घर और यहाँ से वापिस थोड़ा सा पहाड़ उसे चढ़कर हमारे इस डोली टपरी को वहां से निकलने का था। इसलिए वो अपने एक हैमर के जरिए वहां से निकलने वाला था लेकिन ऊपर से कई शरारती मामूली बच्चे थे जो कि हमारे डोली पर ऐसे ही हंस रहे थे। पहले थोड़ी ही देर में कोई अजीब सी चीज डोली की ओर फेंकता है और डोली का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वापिस मतलब कि गड्ढे के दूसरे पार्ट में अलीना तक पहुंच जाता है। वो अलीना से पूछता है कि ये साले कौन लोग हैं जो मुझे इस गड्ढे से निकलने नहीं देना चाहते। अलीना भाई लोग वापिस उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वो भी फुल ऑन टेंशन में आ चुकी थी यहाँ पर वो औरत। भाई लोग डोली टपरी ऊपर खड़े एक बच्चे से रस्सी लाने के लिए कहता है ताकि वो उस गड्ढे से बाहर निकल पाए। वो बच्चा रस्सी लेकर भी आता है और विंटेन अपनी और ये डोली डबरी अपनी कमर पर रस्सी बांधकर ऊपर चढ़ने लगता है। आधे रास्ते पर पहुंचने पर डोली टपरी को लग रहा था कि वो इस गड्ढे से निकल जाएगा लेकिन तभी ऊपर की ओर बच्चों का झुंड खड़ा हो जाता है भाई लोग। और उन सभी में से एक शैतानी मामूली आइटम बच्चा हमारे इस डोली टपरी पर पेशाब कर डालता है भाई लोग वहीं के वहीं। और दो तीन बच्चे और थे शैतानी दरिंदे, वो उस रस्सी को ऐसे हिलबिलाने लगते हैं।
डोली टपरी नीचे उस औरत से मदद मांगता है कि मुझे बचा लो। औरत आती है और उन बच्चों को कहती है कि मत करो ऐसा यार, रुक जाओ। लेकिन तब तक भाई लोग बहुत ही देर हो चुकी थी क्योंकि डोली टपरी का सिर एक चट्टान से टकरा कर वो बेहोश हो चुका था। जब उसे होश आता है तो रात हो चुकी थी और डोली टपरी को लग रहा था कि वो अभी जिंदगी में कभी भी इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएगा, वो बुरी तरह से फंस चुका है ऐसी मामूली कंडीशन में। पर डोली टपरी यहाँ पर सोचता है कि उस औरत को भी इन सभी लोगों ने ही यहाँ भरे से धक्का देकर फेंक कर नीचे डाल दिया होगा और औरत निकल नहीं पाई, इसीलिए वो इसी जगह को अपना घर बनाकर रह रही है। लेकिन यहाँ पर भाई लोग सोचने वाली बात यह थी कि ये जो भी लोग थे, यानी कि शैतान बच्चे और उसके साथ शामिल जो भी पंगे पुंगे लोग थे, वो इन दोनों को मारना नहीं चाहते, बल्कि ये तो उन दोनों की मदद कर रहे थे, खाना बाना दे रहे थे आए दिन। लेकिन शर्त ये थी कि वो सभी लोग इन दोनों को उस गड्ढे से बाहर निकलने देना नहीं चाहते थे। यह गंभीर बात थी भाई लोग यहाँ पर। भाई लोग अगले दिन हमारा डोली टपरी उस बंजर जमीन पर सब्जियां उगाने की कोशिश करता है ताकि उसे और उस औरत को खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसा करते देख ऊपर से एक बच्चा देख रहा था, वो डोली टपरी से पूछता है कि ये तू क्या कर रहा है। डोली उसे कहता है कि मैं ये सब्जियां उगा रहा हूँ। अभी यहाँ पर डोली का शातिर दिमाग घूम चुका था और वो उस बच्चे से दोस्ती करना चाहता था। दोस्ती भाई लोग गहरी हो भी चुकी थी क्योंकि उस बच्चे ने च्युइंग गम का पैकेट डोली टपरी को दे दिया था थ्रो करके और वो बच्चा वहां से निकल चुका था। पर उसी बंजर जमीन पर हमारा डोली टपरी को एक रिंग और एक कार की चाबी भी मिली थी और डोली टपरी यहां पर समझ चुका था कि उसके पहले भी कई लोग यहां पर आकर फंस चुके हैं और मारे जा चुके हैं। ऐसे ही करते करते भाई लोग रात हो जाती और हमारा डोली टपरी शराब पे शराब मारे जा रहा था, पिए जा रहा था। वो औरत जिसका नाम था अलीना, वो उसे रोकती है कि ऐसी ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन डोली तो गुस्से में उसे डांट देता है भाई लोग। लेकिन यहाँ पर उस अलीना को क्या होता है कि विथआउट क्लोथ्स, यानी कि यहाँ पर फुल ऑन भाई लोग रंगबाजिया शुरू हो जाती है। अगले दिन भाई लोग वापिस एक बच्चा आता है, यानी कि डोली टपरी का दोस्त जिसने बनाया था, वो उसे कहता है कि मुझे यह सब सीखना है। डोली टपरी उसे कहता है कि मैं ऐसे तुम्हें नहीं सिखा सकता, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, बाद में तुम जो भी बोलोगे वो मैं तुझे सिखाऊंगा। भाई लोग वो बच्चा डोली को कहता है कि उन सभी लोगों के होते हुए तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। अलीना भी ये सब सुन रही थी, लेकिन वहां पर दूसरा एक और बच्चा आ जाता है जो कि ये सारी बातें सुन लेता है। वो पहले वाले बच्चे पर थोड़ा सा गुस्सा करता है और उसे वहां से ले जाता है। शाम होती है भाई लोग और अलीना डोली को कहते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन डोली तो भाई लोग यहाँ पर बोचक्का रह चुका था। वो उस अलीना को कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और ये सारी प्रॉब्लम और ये सारी गलती तुम्हारी ही है क्योंकि तुमने ही मुझे बहकाया है कमीनी। अलीना कहते हैं कि छोड़ो इन बातों को, हम दोनों की ही गलती है। अभी ये दोनों भाई लोग यहाँ पर सो जाते हैं। सुबह उठते ही डोली को आवाज आ रही थी किसी की रोने की, यानी कि अलीना की। बाहर जाकर भाई लोग डोली देखता है तो ऊपर की ओर उसके पहले वाली दोस्त यानी कि उस छोटे से बच्चे की लाश लटक रही थी और अलीना उसे बेटा बेटा पुकार कर बुरी तरह से रो रही थी। अभी उस बच्चे को वहां पर शैतानी बच्चे थे, उन सभी ने ही मारा था। लेकिन भाई लोग यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये अलीना का बेटा कैसे है, वो हम थोड़ा सा आगे जांच पड़ताल करेंगे। अलीना गुस्से से डोली की ओर देख रही थी और भाई लोग गुस्से में ही गुस्से में, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसी की वजह से मेरे बेटे की जान चली गई है, इसीलिए अब गुस्से के चलते वो उस पर एक बहुत बड़ा लकड़ा मार देती है और उसे वहीं के वहीं डोली को बेहोश कर देती है। वो उसे पिंजरे में कैद कर देती है 9 महीनों के लिए, क्योंकि भाई लोग अलीना को बच्चे को जन्म देने के लिए 9 महीने लगने वाले थे, इसलिए वो उसे कैद कर देती है पिंजरे के अंदर। उसे मारती नहीं, वो उसे खाना पीना खिलाती है, बस सिर्फ कैद करके रखती है। और भाई लोग कैद करते कैदी में भाई लोग ये सारा डोली अब जाटू आइटम यानी कि जंगली किस्म का आदमी बन चुका था। यहाँ पर बिचारे की क्या सहमत आई होगी भाई लोग, ये सब हम सोच सकते हैं। एक दिन डोली को चट्टान के ऊपर एक लड़की दिखाई देती है। डोली उसे मदद मांगता है कि मुझे यहाँ से निकाल लो, लेकिन तभी वहाँ पर शैतानी बच्चे आ धमकते हैं भाई लोग और उस लड़की को भी वहीं का वहीं मार देते हैं। डोली अनिला से कहते है
कि तुम मुझे कैद करके मेरे पर ये सारे अत्याचार क्यों कर रही हो, जबकि मैं ही तुम्हारे आने वाले बच्चे का बाप हूँ। लेकिन अलीना उसे कहती है कि तुम तो मेरा मकसद पूरा करने का एक जरिया हो। ऐसा कहकर भाई लोग वो सीधे अपने रूम के अंदर चली जाती है। एक दिन अचानक से भाई लोग यानी कि 9 महीने के बाद अलीना के पेट में ढेर सारा दर्द होने लगता है। वो डोली को आजाद करते हैं उसकी मदद करने के लिए। डोली आजाद होकर उसकी मदद करता है और अनिला को यहाँ पर एक बेटी होती है। बेटी को देखकर भाई लोग डोली यहाँ पर ये ठान लेता है कि वो अभी यहाँ पर ही रहेगा और अपनी बेटी की देखभाल करेगा। लेकिन तभी कुछ शैतानी बच्चे पीछे से बेचारे डोली को वहीं के वहीं टपका डालते हैं भाई लोग। और वो अनिला से कहते हैं कि माँ आपने जैसा कहा था वैसा हमने कर दिया। यानी कि भाई लोग यहाँ पर अनिला की पोल खोलते हैं तो अनिला यानी कि ये सारे शैतान बच्चे उस अनिला बावली आइटम के ही थे। और अनिला ने यहाँ पर जो कुछ भी ऐसे घूमे हुए लोग थे उसके साथ फूलों चिरकाडू वाली हरकत की थी और अपनी पूरी सेना बना ली थी। अभी ये तो ये बावली आइटम हम भाई लोग ये अनिला तो बाद में भाई लोग अनिला अपनी बेटी का ध्यान रख रही थी और उसे कह रही थी कि आगे जाकर मेरी जगह तुझे ही लेनी है। अभी इस बावली बकरोल को क्या कहना चाहेंगे भाई लोग, ये देना